Thank you. One second, ma'am. One second. This is a nice project. You want to click? Full picture. I want it. Come here. पोस्ट करने के लिए बनाया है सीधा जिसको कहते हैं, इसमें काफी डर लगता है समझने में कि क्या है, इसमें पैसा कहां से मिलेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फिल्म और शैलेंद्र सिंह का लक्ष्य बहुत ही अलग था इसमें, कि मैं 74 फिल्में बना के प्रोड्यूस करके ये फॉर्मेट में क्यों आया। मेरा लक्ष्य सिंपल था कि हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सबको वो बॉलीवुड का मौका नहीं मिलता है। वक्त लगता है, चाहे वो स्क्रीन पे राइटर हो, एडिटर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो। लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्मेट को यूज करें टैलेंट को अपनी कला दिखाने के लिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने एक फिल्म यही देखी थी साथ में, टेक सेक्स और सेक्सोहोलिक। ऐसा लगा था कि सेक्स की फिल्में थी, लेकिन उनमें सोशल मैसेज था। आज टेक सेक्स आज के दिन 18 मिलियन व्यूज कर चुकी है, 1,80,00,000 लोग उसे देख चुके हैं। उतना तो शायद किसी ने बैंचर को भी देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट फॉर्म हैं क्योंकि बजट कम होते हैं, पॉलिटिक्स कम होता है, ब्यूरोक्रेसी कम होती है, और फटाफट वो फिल्म बन के रिलीज हो जाती है। आजकल सच्चाई ये है कि 10 करोड़ की फिल्म बनती है और 10 करोड़ की मार्केटिंग का पैसा लगता है। बहुत ही टफ सिचुएशन है, और मल्टीप्लेक्स के टिकट के प्राइसेस भी। इसीलिए हमने ये फॉर्मेट शुरू किया था, और मैंने अपना वक्त इसमें इसलिए जाहिर किया कि हम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास हिंदुस्तान में यंगेस्ट आबादी है वर्ल्ड की, अगर इस आबादी को हमने मौका नहीं दिया अपने टैलेंट दिखाने का तो ये जल जाएंगे अंदर से। तो ये मेरी छोटी सी एक तरकीब थी कि मैं
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फिल्म के तरीके से, इसलिए आप देखा होगा कि एक फिल्म आती है फिर मैं 3 महीने सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से गुस्सा आता है कि मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, ये फीचर बनाओ, फिर लगता है कि नहीं फिर से करो। और मुझे बड़ा मजा आया कि यंग लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं और अपनी टैलेंट और वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं कभी कभी, लेकिन अब समझ में आ रहा है सब लोग को कि ये फॉर्मेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं। और जब मोर अंधेरी में नाचेगा तो उसके 30 मिलियन व्यूज होंगे। तो वही बात है कि सुबह आप बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है, लेकिन अगर फिल्म नहीं बनेगी आपके साथ तो आपकी कला कैसे नजर आएगी? करेक्ट है। तो इसीलिए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फिल्म मैंने बनाया, लंबी कहानी जल्दी बोलो। और इसका रीजन ये है कि भविष्य में मोबाइल फोन तभी सर्वाइव करेगा जब कंटेंट उस पर अच्छा होगा। ये मैं आगे की बात कह रहा हूं, आपसे 2 साल बाद की आप रियलाइज करेंगे। भूल जाइए अमेज़न नेटफ्लिक्स और टाइम पास है, भविष्य में मोबाइल फोन ही बिकेगा इस देश में, क्योंकि उसके पास कंटेंट होगा। तो आप सोच सकते हो कि पोटेंशियल कितना बड़ा है कंटेंट के लिए। लेकिन हमेशा बॉलीवुड में भी जब परसेप्ट पिक्चर कंपनी हम चला रहे थे, हमारी 50% फिल्में में सोशल मैसेज था। आपको शायद याद होगा, चाहे वो डोर हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, पेज 3 हो, या कांजीवरम हो, या फिर मिलेंगे सलमान खान के साथ, वो एड्स पे बेस्ड थी। हमेशा हमारी फिल्मों में एक सोशल कॉज होता है। उसी तरीके से टेक्स सेक्स सेक्सोहोलिक जो भी हमने फिल्म बनाई उसमें एक सोशल मैसेज था, कि मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर है एक सोशल चेंज लाने के लिए। और इसलिए हमारी हर फिल्म में एक सोशल मैसेज होता है। ये जो फिल्म आप देखने जा रहे हैं, तो मेरे जो दूसरे दोस्त है शायद बुरा लगेगा, इसमें इतना सेक्स नहीं है, लेकिन लेकिन अलग किस्म की फिल्म है, लेकिन सोशल मैसेज मेरे को लगता है कि बहुत ही डीप है। और ये मेरे साथ ये हादसा हुआ है और मैं शॉक हो गया कि ऐसी चीज हो रही है। और जब रिसर्च किया मालूम पड़ा कि ये तो एक बहुत बड़ा नया ट्रेंड है। तो ये यूथ और सोसाइटी से कनेक्टेड है और आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान के साथ तोड़ के होने वाला है। तो ये भविष्य को प्रेडिक्ट करता है। छोटी सी फिल्म है, हमने इसे पूरा 1 दिन में शूट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि बाद में हम लोग वक्त बर्बाद ना करें आपका, क्योंकि आप समोसा खाएं। मैं पहले अपनी कास्ट और क्रू को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं इस फिल्म का बैटमैन हूँ और मेरा एक रॉबिन है, साहिल का है। साहिल साहिल इज राज 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 मैं राज मैं तो आई एम नॉट गिविंग यूजुअल नेम डायरेक्टर योर टाइम पास, बिकॉज आई थिंक हमें लगता है कि फिल्में सिर्फ एनर्जी से बनती हैं, और अच्छी एनर्जीज हो, अच्छे अच्छे लोग मिले तो अच्छी फिल्म बनती है, वरना घटिया फिल्म बनती है। तो साहिल इज माय राइट हैंड रॉबिन, और मैं बताऊंगा नहीं ने क्या किया, सब कुछ किया रे। आइडिया वाज हिज, बजट नहीं था, टाइम नहीं था, तो हम सभी करते रहते हैं कुछ भी। अभी तेरा फ्लैश नीचे कर रहे हैं। और हमारे कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, सबका नाम वी से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया। तो हमारा DOP एक यंग 19 साल का लड़का है, बहुत कंफ्यूज है हमारे साथ, विश्वनाथ कर रही हूँ। छोटा सा है, मुझे डर लगा क्योंकि उसको 2-3 बार उठा के मैं आगे कर दिया कैमरा में, ट्रॉली नहीं थी हमारे पास।